मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं जिसमें हम एग्जांपल सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डायलेशंस कर सकते हैं इमेज का, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम इरोजन इरोशियन यूज्ड फॉर डिस्कनेक्टिंग फीचर्स ऑफ एन इमेज एंड रिमूव स्मॉल वन स्ट्रक्चर एलिमेंट्स का हम यूज कर सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगा सकते हैं और सेगमेंटेशन से डिवाइड कर सकते हैं। सेम ग्रुपिंग हम करेंगे इसमें इमेज एनहांसमेंट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, सेगमेंटेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इमेज है जो इसका लो कॉन्ट्रास्ट इमेज है तो उसे हम इनहेंस कर सकते हैं। इनहेंस के लिए नंबर ऑफ हमने देखी थी प्रोसेस होती है, उसके करस्पॉन्ड इमेज क्या होगी, लाइट डार्क कॉम्बिनेशन करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग उसे सेगमेंटेशन में डिवाइड कर सकते हैं। प्रिंसिपल अप्रोच की हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की, तो क्या क्या होता है, तो सेगमेंटेशन एल्गोरिथम जनरली आर बेस्ड ऑन द टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटेंसिटी वैल्यू। टू इंटेंसिटी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ये वर्क करता है, जिसकी टू बेसिक प्रॉपर्टीज होती है इंटेंसिटी वैल्यू की। सबसे पहले आता है डिसकंटिन्यूटी, टू पार्टीशन एंड इमेज बेस्ड ऑन द शार्प चेंज इन इंटेंसिटी। जो भी हमारे इमेज है उसमें जहां भी चेंज आ रहा है, मीन्स इंटेंसिटी जहां भी कम ज्यादा हो रही है, जहां भी शार्पनेस चेंज हो रही है, उसे हम क्या कर लेते हैं, वहां पे हमको इमेज सेगमेंटेशन करना पड़ता है। मीन्स एक डिसकंटिन्यूटी अगर हमारी इमेज में आ रही है, कोई भी इमेज है, कहीं लाइट हो रही है कहीं डार्क हो रही है, तो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, दैट इज ऑल्सो अकरेंस ऑफ द इमेज सेगमेंट, जहां पे हमको इमेज सेगमेंटेशन का यूज करना पड़ता है। सच अस इमेज एजेस इन एन इमेज, किसी भी इमेज की जो एजेस होती है उससे हम क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। सिमिलैरिटी, जहां भी सिमिलैरिटी आ रही है, टू पार्टीशन एंड इमेज इन टू द रीजन दैट आर द सिमिलर अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ प्रीडिफाइंड क्राइटेरिया। एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया करस्पॉन्डिंग क्या हो रही है, हमें सेम इमेज मिल रही है, सेम इमेज सेगमेंटेशन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलरिटी की करस्पॉन्डिंग हम इमेज सेगमेंटेशन का यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम बार बार प्रोसेसिंग नहीं करना पड़ता है। दिस इंक्लूडिंग इसमें आता है थ्रेश होल्डिंग, रीजन ग्रोइंग, रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग। ये होती है सिमिलरिटी में, जहां भी अगर सिमिलरिटी हो रही है इमेज में, तो हम क्या कर सकते हैं, थ्रेश होल्ड के अकॉर्डिंग एक ग्रुप में कर लेते हैं, रीजन ग्रोइंग अगर सेम इंफॉर्मेशन से स्प्लिटिंग कर सकते हैं, या फिर हम उसको मर्ज कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड, कैसे हम डिटेक्ट करते हैं सेम इमेज या फिर एजेस के थ्रेशोल्ड को, थ्रेशोल्ड इज द सिंपलेस्ट पावरफुल एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली वाइडली यूज टेक्निक फॉर द इमेज सेगमेंटेशन। थ्रेशोल्ड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इमेज सेगमेंटेशन का, एक पावरफुल है जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है। इट इज useful for in discriminating foreground for the background. Thresholding operation used to convert a multi-level gray level image into binary image. Thresholding एक काम और भी करता है, जो gray level image होती है उसे binary image में convert कर देता है। Advantage of obtaining first a binary image, सबसे पहले image segmentation में हम binary image आप find करते हैं, that is reduce the complexity of the data, जिसमें complexity क्या हो जाती है, data की reduce हो जाती है, और simplification of forces का हो जाता है, इसके through हम इसे recognize कर सकते हैं, classification भी क्या हो सकता है, easily हो जाता है, इसीलिए हम thresholding mainly use करते हैं किसमें, हमारा इमेज सेगमेंटेशन में। अगर हम थ्रेशोल्डिंग यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ फॉर्मुलेस वगैरह होते हैं, तो द मोस्ट कॉमन वे टू कन्वर्ट अ ग्रे लेवल इमेज इनटू बाइनरी इमेज, हम जब भी ग्रे लेवल इमेज होती है उसे बाइनरी इमेज में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं थ्रेशोल्ड, दैट इज डिनोटेड बाय द टी, देन ऑल द ग्रे लेवल वैल्यूज बिलो टी विल बी क्लासिफाइड अस ब्लॉक जीरो, और जो भी ग्रे लेवल से कम की वैल्यूज होती हैं उसे हम जीरो से स्पेसिफाई कर देते हैं द बैकग्राउंड, और उसे हम बैकग्राउंड के लिए यूज करते कह सकते हैं हम, दोस अबोव द टी विथ वी वाइट वन दैट इज ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट फॉर्म कर देते हैं, जो बिलो थ्रेशोल्ड होता है उसे हम बैकग्राउंड में ले लेते हैं, और जो अबोव थ्रेशोल्ड होता है उसे हम वन लेते, दैट इज एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। थ्रेशोल्डिंग ऑपरेशन इज अ ग्रे वैल्यू रीमैपिंग ऑपरेशन जी डिफाइंड बाय द, जब भी हम ग्रे थ्रेशोल्ड यूज करते हैं तो हमें जो इमेज होती है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाती है। अब कैसे कन्वर्ट हो रही है, तो इसमें जी ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या, रीमैपिंग के बाद अब जो हमारी इमेज आएगी वो जीरो और वन, अगर एफ एक्स वाई किसी भी पर्टिकुलर पिक्सल की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है तो हमें जीरो रिप्रेजेंट करेंगे, और वन है तो उसे हम, अगर वन आ रही है दैट इज इफ एफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टी, तो हम उसे क्या करेंगे, एक इमेज फॉर्म करेंगे, एक ऑब्जेक्ट फॉर्म करेंगे, मीन्स यहाँ पे एक्स और कॉमा वाई क्या है, रिप्रेजेंट अ ग्रे वैल्यू आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थ्रेशोल्ड वैल्यू पी,
टी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू, जी एक्स कॉमा वाई है रिप्रेजेंटिंग थ्रेशोल्ड इमेज रिप्रेजेंट होगा, और एफ एक्स कॉमा वाई दैट इज रिप्रेजेंट ग्रे लेवल इमेज पिक्सल्स दैट इज द इनपुट इमेज। अगर हम बात करते हैं ग्रे लेवल थ्रेशोल्डिंग की, तो ग्रे लेवल थ्रेशोल्डिंग इस तरह का हमारा ग्राफ आएगा, जो ऑब्जेक्ट है दैट इज अबो द थ्रेशोल्ड वैल्यूज, और जो बैकग्राउंड रिप्रेजेंट होगा दैट इज द बिलो थ्रेशोल्ड वैल्यूज। क्लियर है? टू डायमेंशन में जाएगी, एक रिप्रेजेंट होगा आई एंड रिप्रेजेंट होगा एच की करस्पॉन्डिंग। डिटेक्शन ऑफ सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड, सिमिलरिटी कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, इमेज विथ डार्क बैकग्राउंड एंड ए लाइट ऑब्जेक्ट के थ्रू, इमेज विथ डार्क बैकग्राउंड एंड टू लाइट ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्रे लेवल हिस्टोग्राम दैट कैन बी पार्टीशन, एक होता है जिसमें हम सिंगल थ्रेशोल्ड यूज करते हैं और एक होता है जिसमें मल्टीपल थ्रेशोल्ड हम यूज करते हैं। इसी करस्पॉन्डिंग क्या होता है, जो भी इमेज की वैल्यूज जो लेस देन है थ्रेशोल्ड से उसे हम बैकग्राउंड में रहते हैं, और टू लाइट ऑब्जेक्ट मीन्स एक थ्रेशोल्ड भी ले सकते हैं या टू थ्रेशोल्ड से भी हम इसे कंपेरिजन कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड टू अगर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो क्या होगा, थ्रेशोल्ड आर आइदर ग्लोबल आर लोकल, ग्लोबल भी हो सकता है लोकल भी, दैट इज दे कैन बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द इमेज, इमेज में क्या हो सकता है कॉन्स्टेंट होता है, और स्पेशली वेरिंग थ्रेशोल्ड मेथड इंक्लूडिंग होता है, जिसमें हम क्या करते हैं थ्रेशोल्ड मेथड में कन्वेंशनल थ्रेशोल्ड मेथड होता है जो सुपरवाइज्ड प्रोसेस होती है, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड, आपको पता है कि सुपरवाइज्ड किसी भी ट्रेनर के अंडर में जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, या फिर क्या होती है OTSU ग्लोबल ऑप्टिमा थ्रेशोल्डिंग मेथड होती है जो अनसुपरवाइज्ड प्रोसेस होती है, और एक होती है हमारा एडॉप्टिव लोकल थ्रेशोल्डिंग, इसे करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं लोकली हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। क्लियर? इन एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, इस तरह कंपैरिजन हो सकता है, OSTP ऑप्टिमल मेथड एंड कन्वेंशनल थ्रेशोल्ड मेथड की बात करते हैं हम, तो क्या होगा, फर्स्ट इमेज ए है, एन इमेज ऑफ द ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसे करस्पॉन्ड इंटेंसिटी हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट हो रहा है, देन थ्रेशोल्ड इमेज विथ थ्रेशोल्ड T1 एंड 135 नंबर ऑफ थ्रेशोल्ड का यूज कर सकते हैं, इमेज को अलग अलग फॉर्म में देख सकते हैं। ये हमारे एक और इमेज, जो इमेज थी वो क्लियर नहीं थी, उसे हमने हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट किया, देन उसकी अलग अलग जो भी थ्रेशोल्ड वैल्यू वो चेंज कर करके हमने क्या किया है, इमेज को स्पेसिफाई किया है, इमेज को अलग अलग रिप्रेजेंट किया है। अब नंबर ऑफ थ्रेशोल्ड हमने देखा है, तो उसे हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, थ्रेशोल्ड सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, That is based on the process. A process क्या होती है, Interactive selection of a threshold by the user, possibly with the add of the image histogram. हम किसी भी इमेज का हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करके भी क्या कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मेथड्स का भी हम यूज कर सकते हैं, मीन्स ऑटोमेटिक मेथड्स क्या होती है, इसमें ऑटोमेटिक सिलेक्शन करते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ ईच इमेज बाय द सिस्टम विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। इसमें हम कंप्यूटराइज्ड यूज करते हैं, इसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग का यूज नहीं होता है। ऑटोमेटिक मेथड ऑफ्टन मेक यूज ऑफ इमेज हिस्टोग्राम टू फाइंड द सुटेबल थ्रेशोल्ड, मीन्स किसी भी इमेज का हम हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम इजीली उसका थ्रेशोल्ड फाइंड कर सकते हैं, और मेथड को सिगमेंटेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर हम थ्रेशोल्ड यूज कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट, और डिसएडवांटेज क्या है, इट इज सेंसिटिव टू नॉइज, ये नॉइज के सेंसिटिव होती है, अगर नॉइज क्रिएट कर रहे हैं तो डिफिकल्ट टू सेट थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड को सेट करना डिफिकल्ट हो जाता है कि हम किस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इमेज को क्या कर सके, सिगमेंटेशन में डिवाइड करें। एक कलर इमेज है हमारे पास मल्टी मॉडल की, एक इमेज है किसी मॉडल की, तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना है तो हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होगा, और सिगमेंटेशन में किस पर्टिकुलर पार्ट को क्या करना है, हाईलाइट करना है, तो वो हो जाएगा इमेज सिगमेंट के थ्रू। आफ्टर सिगमेंटेशन द इमेज द ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सट्रैक्ट यूजिंग द एज डिटेक्शन टेक्निक्स। जब हम इमेज को सिगमेंटेशन में डिवाइड करते हैं तो उसके लिए नंबर ऑफ टेक्निक्स होती है कि आपको एज वाइज डिटेक्ट करना है, मीन्स एक पर्टिकुलर एज के फॉर्म में उसे डिटेक्ट करना है, या फिर पॉइंट के थ्रू या पिक्सल्स के थ्रू करना है। इमेज सिगमेंटेशन टेक्निक्स आर एक्सटेंडली यूज्ड अ सिमिलर
नेरेटिव सर्चिंग, ये सिमेंटिक सर्चिंग के फॉर्म होती है, किस पर्टिकुलर पार्ट को स्पेसिफाई करना है, सर्च करना है, हाईलाइट करना है। डिटेक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगर डिसकंटिन्यूटी की इमेज है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे सिगमेंटेशन में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिटेक्शन ऑन द थ्री बेसिक टाइप ऑफ ग्रे लेवल डिसकंटिन्यूटी। अगर कोई इमेज हमारे आ रही है जो एक ग्रे लेवल इमेज है जिसमें डिसकंटिन्यूटी है, तो उसे हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट हमारा आता है पॉइंट, सेकेंड आता है लाइन्स, और थर्ड हमारा आता है एजेस। मीन्स हम पॉइंट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, इमेज को सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं उसी की ग्रे लेवल के करस्पॉन्डिंग लाइन्स और एजेस के करस्पॉन्डिंग। द कॉमन वे इज टू रन अ मास्क थ्रू द इमेज। हम कॉमन वे क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर मास्क यूज करते हैं जो उस इमेज पे लगा देते हैं और उसी करस्पॉन्डिंग उसे क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। मास्किंग क्या होती है, और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कैरिड आउट ऑन एन इमेज इन ऑर्डर टू एम और आइडेंटिफाई अ पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट डिटेक्शंस। अ पॉइंट हैज बीन डिटेक्टेड एट द लोकेशन ऑन विच द मास्क इज सेंटर्ड इफ। अगर कोई मास्क है वो सेंटर्ड कर देते हैं उसे करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डिटेक्शन में यूज कर सकते हैं। तो आर क्या है, लैग ग्रेटर देन इक्वल टू टी होना चाहिए। टी इज द नॉन नेगेटिव थ्रेशोल्ड, टी जो है नॉन नेगेटिव थ्रेशोल्ड होना चाहिए, इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। R is the sum of product of the coefficient with the gray level contained in image region encompassed by the mark. जब हम कोई इमेज होती है उसे हम पॉइंट डिटेक्शन यूज करते हैं, तो फर्स्ट है हमारा पॉइंट डिटेक्शन मास्क हम यूज करेंगे, एक्सरे इमेज ऑफ द टर्बिन ब्लेंड विथ द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द पॉइंट डिटेक्शन ओरिजिनल, इस तरह की इमेज जो है कन्वर्ट होकर आएगी। लाइन डिटेक्शन होता है, लाइन डिटेक्शन किसी फॉर्म में हो सकता है, जो हमारी लाइन्स होती है वो हॉरिजेंटल होती है, वर्टिकल होती है, या फिर इसको हम एंगल सेट करके भी कर सकते हैं, दैट इज द पॉजिटिव 45 और नेगेटिव 45। मीन हॉरिजेंटल मास्क विल द रिजल्ट विथ मैक्स रिस्पॉन्स वेन अ लाइन पास थ्रू द मिडिल रो ऑफ द मास्क विथ द कंटेंट बैकग्राउंड। द सिमिलर आइडिया इज यूज विथ अदर मास्क। नोट द preferred direction of each mask is weighted with the large coefficient। हर किसी की अपनी कुछ values होती है, then other possible directions को हमें specify करना पड़ता है। जैसे line detection में क्या होता है, जो हमारी lines होती है horizontal होती है, vertical होती है, या degree पे set होती है, तो उसके corresponding हम क्या कर सकते हैं, image को detect कर सकते हैं। हमारे पास एक example दिया हुआ है, हमारे पास number of diagrams है A B C D। line detection हम use करते हैं, image of a wire bond mask, एक wire bond mask है रिप्रेजेंट किया गया है। बी जो है हमारा हॉरिजेंटल लाइन डिटेक्शन मास्क है, सी जो है हमारा 45 डिग्री पे हम चेंज करेंगे तो ये मास्क आएगा, वर्टिकली लाइन मास्क ये है। रिप्रेजेंट ऑफ द प्रोसेस, हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आएगा। रिप्रेजेंटिंग विद द हॉरिजेंटल लाइन डिटेक्शन मास्क, जब हॉरिजेंटल एक मास्क हम यूज कर रहे हैं और उस मास्क को जब हम इमेज पे लगाएंगे तो कोई इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर हम हॉरिजेंटल लगाते हैं तो हॉरिजेंटल मास्क ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरह का डायग्राम स्पेसिफाई होगा, रिजल्ट ऑफ प्रोसेस विथ 45+, अगर 45+ करते हैं तो इस तरह का आएगा, और नेक्स्ट जो हम प्रोसेस का वर्टिकल मास्क हम यूज करते हैं इस तरह की हमारी इमेज स्पेसिफाई होकर आएगी। वर्टिकली जो इमेज है उसे रिप्रेजेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टली कट कर देंगे इमेज को। अब ट्रांसफॉर्मेशन और लाइन डिटेक्शन का हम यूज करते हैं, जनरली एक कर्व फॉर्म होता है, मीन्स हर ट्रांसफॉर्मेशन डिटेक्शन इज द पैरामेट्रिक कर्व होता है जिसमें स्ट्रेट लाइन और सर्कस यूज होते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। द नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज द एज डिटेक्शन। एज डिटेक्शन क्या होता है, मैथमेटिकल मेथड होती है जिसकी करस्पॉन्ड हम इमेज को सेगमेंटेशन करते हैं, ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हैं, शार्प करते हैं, और इमेज की डिसकंटिन्यूटी को करेक्ट करते हैं, कह सकते हैं हम डिसकंटिन्यूटी करेक्शन होता है इसमें। इमेज डिटेक्शन इज द नेम for a set of mathematical methods which aim it identify point in a digital image at the which the image brightness change sharp, जहाँ भी image sharpness change हो रही है या discontinuity आ रही है उसके लिए image detection का use कर सकते हैं। Age detection is used to obtain information from the frame
as a precursor step to feature extraction and object recognition में use होता है. अब इसके लिए कौन कौन से हम प्रोसेस यूज करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन जैसे ग्रेडियंट ऑपरेशन यूज होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन लाप्लासियन ऑपरेशन हम क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं. अगर हम बात करते हैं एज डिटेक्शन की, तो एज डिटेक्शन क्या होता है, एडवांटेज इजी टू इम्प्लीमेंट होता है, सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है. और डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर वेरी नॉइजी इमेज. जब भी कोई इमेज जिसमें ज्यादा नॉइज हो रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे हम इम्प्लीमेंटेशन में यूज नहीं करते हैं.